हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आशा करते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जल्द ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 8 तारीख से। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है अभिनव शिक्षण पद्धति मस्तिष्क उद्वेलन से सूक्ष्म शिक्षण से एवं से दल शिक्षण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर जिसने नहीं देखा है वो पहले 4 चैप्टर देख ले, फिर इसको भी देख ले, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं या इसके आसपास के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया गया, या एक शिक्षण विधि है, या विधि सहयोग की भावना पर निर्भर करती है, या फिर यह एक जटिल विधि है, या फिर ये एक लचीली विधि है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर, सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, या एक जटिल विधि है। ठीक है, तो निम्न में कौन सी टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है और इस पे दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो एलन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, या फिर सुकरात के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा स्किनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथन किस मनोविज्ञान निक से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण से समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। ऑप्शन दिया गया, आर एन बुश से, मैक एलिस से, या फिर एलन से, या फिर ईव से। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन से। और नेक्स्ट है, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण से चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है। 36 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, या फिर 1 घंटा। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 36 मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चंस। और नेक्स्ट है क्वेश्चंस, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, या फिर लंदन विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और इस पे दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था। ठीक है, तो एलन के द्वारा कब किया गया था। ऑप्शन दिया गया, 1947, 1963, 1975, या फिर 1990। और इसका आंसर हो जाएगा 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान से शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन, सूक्ष्म शिक्षण का, अनुकरणीय शिक्षण का, या फिर मस्तिष्क उद्वेलन का, या फिर इन सभी का। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया गया, या एक लचीली विधि है, इस विधि में शिक्षक अपने कार्यों का स्वयं से निर्धारण करते हैं, या फिर इसका उद्देश्य अनुदेशांश की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है, या फिर छात्रों एवं शिक्षकों में परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, इसका उद्देश्य अनुदेशांश की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 और इस पे दिया गया है, क्लिफ्ट एवम्स उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कितने अवस्था में संपन्न हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि सूक्ष्म शिक्षण से प्रक्रिया कितनी अवस्था में संपन्न हुई है। और ऑप्शन दिया गया है, 2, 3, 4, या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा और आंसर है 3। नेक्स्ट है, निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। ऑप्शन, विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, या फिर सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इस पे दिया गया, निम्न कथन किससे संबंधित है। शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए विचार से
संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह है। बताइए किसने बोला है। ऑप्शन दिया गया डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ ने, या फिर डॉक्टर बी के पासी से, या फिर गेन से, या फिर वाइट से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, डॉक्टर बी के पासी से। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल से शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा प्रक्रिया सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन किस निम्न में किससे संबंधित है। ऑप्शन है डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ से, या फिर डॉक्टर बी के पासी से, गेंद से, या फिर वाइट से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ से। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया 5 से 10, 15 से 20, या फिर 50 से 100, या फिर 20 से 25 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 10 तक। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन है 10 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, या फिर 12 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 6 मिनट। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले जितने भी क्वेश्चन है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जरूर एग्जाम देने से पहले। और क्वेश्चन नंबर 15 है, इस पे दिया गया क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। ऑप्शन है हाँ, ना, या फिर अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ, या और नहीं दोनों, या फिर कुछ नहीं कह सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, और इस पे दिया गया है अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 16, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है। ऑप्शन पैक एवं टकर, या फिर मैक कॉलन, या फिर क्लिफ, या फिर डी डब्ल्यू एलन से, एवं कीथ एचिसन। इसका आंसर लास्ट हो जाएगा डी ऑप्शन से, डी डब्ल्यू एलन एवं से कीथ एचिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम बताइए। तो इस पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग। पहला दिया गया योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि पूर्ण शिक्षण से पूर्ण प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट है योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि पूर्ण पाठ योजना पूर्ण शिक्षण पूर्ण प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट है योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि पूर्ण शिक्षण पूर्ण पाठ योजना, या फिर नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि योजना शिक्षण पाठ योजना पूर्ण प्रतिपुष्टि। तो ये अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसको भी एक बार आप लोग नोट डाउन, या तो सबसे सही है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चंस कुछ ही याद रहेंगे, बाकी फिर थोड़ा बहुत माइंड में ही रहता है कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और इस पर दिया गया है योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि फिर पुनः योजना पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस पे दिया गया है अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है। ऑप्शन दिया गया है छात्रों की रुचि बनी रहती है, छात्र सतत सक्रिय करते हैं, और विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, और छात्रों की अभिप्रेरणा का स्तर ऊँचा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, और इस पर दिया गया विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन है, और ऑप्शन दिया गया है इसका रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर कंप्यूटर से अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर शाखीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है डी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा नीचे थोड़ा हाँ। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन है अभिक्रमित सीखना, अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर दोनों, या फिर बता नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन से अभिक्रमित सीखना, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 के, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।